फ्रेंड्स, ये जो मेरी बेल्ट के ये फोर पीस निकले हैं, तो सबसे पहले हम इनको, ये देखिए इस टाइप से निकले हैं, इनको हम क्रॉस में ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए, ये पहला पीस है, अभी हम सेकंड वाला उठाएंगे और इसके अपोजिट साइड लगाना है फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरफ ये चौड़ाई है, तो हम ये वाला पीस, ये देखिए इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए, ये इसकी चौड़ाई रहेगी और ये इसकी कम वाली जगह रहेगी। ये देखिए, ये सीधा रहेगा और ये हमारा उल्टा रहेगा। इस तरफ उधर, उस तरफ वो चौड़ा रहेगा पीस और इधर ये ऊपर वाला चौड़ा रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको सिल लेते हैं। सिंपल सिलाई मारनी है। इसी तरीके से हम दूसरा वाला पीस भी सेम सिलना है फ्रेंड्स, सिल लेंगे। मगर उससे पहले एक, ये देखिए, इसके ऊपर एक जिस तरीके से डाप टिक लगानी है, एकदम किनारे किनारे, जिससे कि ये हमारे एकदम फिक्स बैठ जाएगा फ्रेंड्स। अब हम इसकी पूरे में लेंथ नाप लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, अभी जहाँ भी हमारी लेंथ बराबर है, हमें 7 चाहिए तैयार और 9 चाहिए कपड़ा, तो ये हमारी 9 पूरी है फ्रेंड्स। ये ध्यान से देखिए, दोनों साइड से 9 इंची है। ये देखिए, ये देखिए 9 पूरा है। अभी हम इसी तरीके से दूसरे को भी सिल लेंगे फ्रेंड्स। मैंने दूसरा वाला पीस भी उसी तरीके से सिल लिया है। ये देखिए, ये चौड़ा वाला पीस है और ये कम वाला पीस है, दोनों को मिला के सिल लिया है। अब उसके ऊपर उसी तरीके से सिलाई लगा देनी है, किनारे वाली। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके दोनों पीस के आसन को मिला करके ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये मेरा पहले नीचे का पीस है और ये देखिए, ये ऊपर वाला हो गया। अब हम इसके आसन को ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए, इसमें एक ही फायदा है फ्रेंड्स कि ये बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, इसमें बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता है। और दूसरी सलवारों में क्या होता है कि पहले कुंदियाँ ज्वाइंट होती है, पट ज्वाइंट होते हैं, इसमें ये सब नहीं होता है फ्रेंड्स। ये देखिए, एक साइड का आसन मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अभी हम इस तरीके से पकड़ेंगे और दूसरे वाले आसन को भी ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा वाला आ गया है। ये देखिए इस साइड में, ये हम दूसरे वाले को ज्वाइंट कर लेंगे। आसन ज्वाइंट करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसको बेल्ट के दोनों साइड को फोल्ड कर लेंगे। एक साइड नाड़ा डालने के लिए बनाना है, तो कम से कम थोड़ा सा सिलने के बाद कम से कम 1 इंची एक्स्ट्रा लेके, एक्स्ट्रा नहीं फ्रेंड, छोड़ करके सिलाई करनी है, जिससे कि ये मैंने थोड़ा छोड़ करके सिलाई शुरू कर दी है। इधर से भी फ्रेंड्स, हमको 1 इंच के करीब अंदर रखना होगा, क्योंकि थोड़ा फोल्ड होता है, फोल्ड होने में फिर दिक्कत होती है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मैंने इतना छोड़ते हुए, और जो ये पीस हमने छोड़ा था, इसको अब हम फोल्ड करके सिल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे और सिलते जाएंगे। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस एक हाथ से फोल्ड करना है और दूसरे हाथ से
थोड़ा दबा करके रखना है। देखिए ये मैंने पहले फोल्ड किया फिर दबा लिया है और फिर लेना है। ये देखिए दूसरे साइड भी इसी तरीके से करनी है कि थोड़ा फोल्ड करना है फिर सिल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा रेडी हो गया है। देखिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हुआ है। अब हमें इसके अपोजिट साइड को सिलाई कर लेनी है। नेफे को सिल लेना है। ये देखिए नेफे के लिए पहले हम इसको थोड़ा फोल्ड करेंगे। ये थोड़ा हमें ध्यान से सिलना है फ्रेंड्स। इसमें क्या है ज्यादातर लोगों से झोल आता है इसलिए थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है फिर सिलना है। थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और सिलते जाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए कोई से भी हिस्से को खींचना नहीं है फ्रेंड्स, आराम से सिलना है, आराम से फोल्ड करना है। ये देखिए ये अगर हमारा सिलाई के ऊपर सिलाई आती है इस सिलाई से तो समझ लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिलाई इधर उधर आती है ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरा कट है जो बेल्ट के लिए मैंने लगाया है निशान। और जो दूसरा आसन है ये देखिए ये वाला ये हमारा फ्रेंड्स बैक साइड की जॉइंट से ये जॉइंट है इससे मिलना चाहिए। इससे थोड़ा सा 1 इंच ही एक्स्ट्रा रहना चाहिए क्योंकि हम इसमें प्लेट डालेंगे और जितना भी रहेगा ये देखिए इस तरीके से नाप लेना। ये पीछे का भाग है ये आसन है नाप लेना है और जितना भी बचेगा उसकी हमें प्लेट डाल लेनी है। यही सबसे ईजी मेथड है बेल्ट लगाने के लिए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बैक साइड का आ गया है। अब इसमें हम एक एक प्लेट डालेंगे इस तरीके से सिलाई को मिलाएंगे और एक एक प्लेट डालेंगे। ये देखिए इस तरफ भी जितनी उधर डाली है सेम इधर भी डालनी है फ्रेंड्स। और कट तक सीधा सिल लेंगे। कट के बाद से फिर से प्लेटें डालनी है। ये देखिए कट आ गया है। अब हमें प्लेटें स्टार्ट कर देनी है मगर प्लेट अब हम इस साइड की डालेंगे। पहले इस साइड में डाल रहे थे तभी हमारी सलवार एकदम अच्छी बनेगी नहीं तो सारी प्लेटें एक ही साइड होने से एक पैर दूसरी तरफ जाएगा और एक पैर दूसरी तरफ सलवार का फ्रंट ऐसे हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरी प्लेटें लग के रेडी हो गई हैं। ये देखिए अब हम इसके ऊपर एक सिलाई डालेंगे। देखिए इस तरीके से हाथ से करके और एक पैर की सिलाई डालनी है फिर। पोंछे बनाएंगे तो चलिए पोंछे के लिए पहले पट्टी ले लेते हैं।
ये देखिए दो पीस मैंने कट कर लिए हैं फ्रेंड्स कैनवास के पोंचे के साइज के। ये देखिए दो दो इंच की पट्टी है, आप 1 या 1.5 इंच जितने भी आपको चाहिए उतना ले सकते हैं। उसके बाद ये जो मेरे पास पट्टी बची थी साइड से वो हमें ले लेनी है, और इस तरीके से रखते हुए इधर से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ेंगे जो सिलाई में चला जाए, और बाकी का इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे और सिलाई कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने एक सिलाई डाल दी है एकदम किनारे किनारे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके इसके एकदम डाब टिप लगाएंगे जो कि हम गले पे लगाते हैं। ये देखिए सिलाई डाल दी है मैंने। अब इसके एक पैर की सिलाई लगाएंगे, जो ये पैर है फ्रेंड्स उतनी ही सिलाई डालनी है। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम लास्ट में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरी सिलाई ये वाली लग के रेडी हो गई है। अब मैं दूसरी वाली इसके साइड में एक पैर की सिलाई लगाऊंगी। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स इसमें मैं आपको एक डिजाइन सिंपल सा डिजाइन बनाकर दिखाना चाह रही हूँ। अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इधर से 1-1 इंची पर निशान लगा लेना है चौक से, और फिर उसको हम डिजाइन के लिए यूज करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम इसके पोंछे का डिजाइन बनाएंगे। जहाँ तक हमारी सिलाई है उधर तक हमको इस तरीके से घुमाते हुए लेके जाना है। ये देखिए इस तरीके से। दूसरी सिलाई तक नहीं लाना फ्रेंड्स, पहली सिलाई तक ही रखनी है। दूसरी सिलाई के बीच में हम डिजाइन डालेंगे। अब हम इस साइड से लगाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स ये डिजाइन बन गया है। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम जिगजैग का डिजाइन बनाएंगे इसके अंदर। ये देखिए अब इस वाली पट्टी में भी बनाएंगे फ्रेंड्स। अब हम बीच सेंटर में डिजाइन बनाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से जिगजैग डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे सादा सिंपल पोंचा बन के रेडी हो गया है। ये देखिए कितने अच्छे से बना है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। वैसे तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा मगर फिर भी मैंने कोशिश की है दिखाने की। ये बॉक्स बॉक्स बन गए हैं, ये देखिए, और बॉक्स में चिक चैक कर दिया है। अब हम फिटिंग की सिलाई। ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरे पोंचे बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बने हैं पोंचे। ये देखिए फ्रेंड्स ये मुझे पोंचे 14 इंच के रेडी चाहिए, इसलिए मुझे 7 14 का हाफ 7 होता है, इसलिए मुझे 7 इंची पर निशान लगा के 7 पे ही रेडी तैयार। और 2 इंची हमने फिटिंग के लिए, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो कर सकते हैं बाद में। तो चलिए मैं 7 इंची के लगाती हूँ। और हमें क्या करना है फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, ये हमें तिरछे में निशान लगाना है, तिरछे में सिलना है कम से कम 1 इंच के तिरछे में, जिससे कि पोंचा हमारा खड़ा ना हो एकदम,
खिंचेगा भी नहीं, खिंचाव नहीं आता। अगर आप स्ट्रेट सिलाई डालेंगे तो खिंचता है फ्रेंड्स। 7 इंची का पहले ही मार्क कर लूँगी और फिर सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सलवार बन के रेडी हो गई है। ये देखिए, ये मेरी बेल्ट है। ये देखिए, ये जो मैंने बेल्ट लगाई थी, और ये प्लेटें हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बन गई है फ्रेंड्स। और ये मेरे पोंछे हैं जो कि बहुत ही अच्छे रेडी हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन देखिए कितने अच्छे से रेडी हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मेरी सलवार रेडी हो गई है। किस तरीके से सिली है हम देखते हैं।